Hello students, this side Pooja Gupta and you are watching my channel, that is Pooja Gupta channel. Let's learn with me. तो अब जो सेशन है वो है हमारा हिमाचल जीके का सेशन. जैसे मैंने आपको बताया कि हिमाचल जीके से हमारी मैक्सिमम कवरेज होती है, यानी ये स्कोरिंग पार्ट है. अगर जिसका हिमाचल जीके सही हो उसकी मैरिट भी बनती है, क्योंकि ये भी एक सब्जेक्ट है जो मैरिट बनाता है. तो हिमाचल जीके के 5 क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे. तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम हिमाचल जीके के देखें, तो इससे हम अभी कर रहे हैं डिटेल्ड वर्जन, हम सारा डिटेल्ड वर्जन कर रहे हैं. तो आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितना भी है डिटेल्ड वर्जन देखिए, फिर धीरे धीरे हम उसके एमसीक्यूज भी करेंगे. ये सभी के लिए, पब्लिक सर्विस कमीशन SSC या आपका TGT, फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस, टैट और अदर एग्जाम्स, उन सभी के लिए. तो अगर हम इनको डील करें तो इनहैबिटेंट्स ऑफ हिमाचल. अब जो है, कल हमने पढ़े थे सोर्सेज कि हमें हिमाचल के बारे में, हिमाचल की एग्जिस्टेंस की, एक हिमाचल भी था, उसकी कहाँ से मिली है. तो सोर्सेज कौन कौन से थे, अभिलेख थे आपकी, कॉइन्स थे, पुराण्स थे, ट्रेवलर्स थे जिन्होंने हिमाचल के बारे में, क्योंकि वो जब हिमाचल में आए तो उन्होंने हिमाचल के कुछ अभिलेख, कुछ अवशेष, कुछ पुराण, उनके बेसिस पे उन्होंने हिमाचल के बारे में बताया. आज जो है हम डील करने जा रहे हैं इनहैबिटेंट्स ऑफ हिमाचल की, हिमाचल के निवासी, जिसको बोल सकते हैं हिमाचल के पहले निवासी कौन थे. देखिए ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कोई भी इंसान पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि किसी को लगता है कि इससे कोई क्वेश्चन नहीं आता, पर फिर भी इनसे इक्का दुक्का क्वेश्चन कोई ना कोई बन ही जाता है. ठीक है, तो ये एक सेशन है, इम्पॉर्टेंट है, छोटा सेशन, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बिल्कुल छोटा सेशन है. इस घबराइए मत, हिंदी पार्ट भी है. इट्स कॉल्ड प्री हिस्टोरी एंड प्री हिस्ट्री एंड प्रो हिस्ट्री. मतलब अगर हम बात करें प्रागिति इतिहास, जिसको बोल सकते हैं कि अगर पुराने टाइम पे अगर देखा जाए, लेट मी चेक द पेन फर्स्ट, कि पुराने टाइम पे जो प्री हिस्टोरिक टाइम था उसमें ये बताया गया है कि पुराने टाइम पे कोई लिपि नहीं मिली थी हमें, ऐसी कोई भी लिपि नहीं थी जिससे हमें ये पता चलता है कि कुछ मानव भी जो थे वो हिमाचल में रहते. यानी इस मतलब आपके इस टाइम पे, प्री हिस्टोरिक टाइम पे जो है लिपि का विकास नहीं हुआ था. तो अगर जब लिपि का, लिपि क्या है, इट्स अ स्क्रिप्ट, जब स्क्रिप्ट का विकास नहीं हुआ तो उस टाइम पे हम, हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, कोई लिखी हुई स्रोत नहीं था या कोई ऐसा कार्नेशन नहीं था जिससे हमें ये पता चले कि भाई वहाँ पे लोग रहते थे. तो ये हमें कब पता चला, किस टाइम से, जो आपकी ये ईराज होते हैं ना, उन ईराज से जो है हमने कैलकुलेशंस किए हैं. जैसे आपका पैलियोलिथिक एरिया ईरा, पैलियोलिथिक ईरा, देन कैल्कोलिथिक, नव पाषाण, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, और आप जिसको बोल सकते हो आपका नियोलिथिक एरिया, दैट इज नियोपाषाण. इन एरियाज में जो है, इनके थ्रू जो है, इस टाइम से हम हिमाचल के बारे में कुछ चीज़ों को जान सकते हैं. तो आपको पता है पैलियोलिथिक एरिया जो होता है, दैट इज, ये क्वेश्चन भी आता है, 30,000 से लेकर 10,000 BC तक था. कैल्कोलिथिक 10,000 से 7,000, फिर 10,000 to 1,000 जो है न्यूलिथिक ईरा, जिसमें सारी चीज़ें डेवलप हुई थी. तो पुराने टाइम के टाइम पे अगर हम बात करें आपके पैलियोलिथिक ईरा की, यानी पूरा पाषाण काल में देखा जाए, पूरा पाषाण काल में ये बताया गया है कि सतलुज जो थी उसकी जो सिरसा नदी और नालागढ़, ठीक है, नालागढ़ का जो हुफर जगह थी, बुफर जगह थी, वहाँ से हमें कुछ औजार मिले हैं. ठीक है, कुछ चीज़ों के बारे में पता चला है. तो 1955 में बीबी लाल, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि बीबी लाल ने आपकी कई एरियाज से, जैसे आपका रोहनू, आपका कांगड़ा, इन सब से जो है कुछ औजार मिले हैं. कितने औजार मिले हैं, 72 औजार मिले हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उस टाइम के लोग क्या थे, किस तरह से थे. फिर जीसी पात्रा ने जो है, महापात्रा, उन्होंने भी जो है सिरसा नदी के पास जो है, सिरसा नदी, ठीक है, सिरसा नदी के साथ पास में से जो है कुछ औजार उनके पास भी हैं, जैसे खुरपी होती थी, कुदाल होती थी, उस तरह के औजार वहाँ से मिले हैं. और 1974 में
सुकेत, सॉरी सिरमौर के, ठीक है, सिरमौर की जो में जो मारकंडा रिवर है उसके पास एक सुकेती पार्क है, ठीक है, सुकेती क्षेत्र है, जहाँ पे आपको 1974 में कुछ और अवशेष मिले हैं। तो अगर हम बात करें कि देखिए, ये तो अभी कोलारन पीपल की बात करिए, वेदास में जो है इनको दास दस्यु निषाद पिशाच की रात, ये हम अभी पढ़ेंगे, इसकी अभी इस चीज़ को नहीं है। सिर्फ इतना सुन लीजिए कि पुराने टाइम पे हमें कोई अफसोस, मतलब पुराने टाइम पे कोई, जब प्रो हिस्टोरिक टाइम था, तो उस टाइम पे कोई भी लिपि नहीं थी जिसकी वजह से कोई हमें लिखा हुआ या रिटन सोर्स मिल सके जिससे हमें ये पता चले कि यहाँ पे लोग रहते थे या ऐसी कोई चीज़ थी। बट आफ्टर दैट, आफ्टर सम टाइम, ड्यू टू सम ईरास, ठीक है, जो ड्यू टू सम स्टोन एजेस, अवधियों से हमें ये पता चला है कि यहाँ पे लोग रहते थे। जैसे पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, ये सारे कालों में कुछ हमें चीज़ें मिली हैं, कुछ स्रोत मिले हैं, उनके बेसिस पे हमने ये पता लगाया कि यहाँ पे हिमाचल के लोग होते थे। तो जैसे अगर पूरा पाषाण काल में हमें औजार मिले, कैसे औजार थे, खुरपी कुदाल उस तरह से, तो इनके जो कुदाल वगैरह ये जो औजार हैं, 72 औजार जो हैं हमें कहाँ से मिले हैं, ढलियारा, गुलेर, देहरा, इन जगहों से मिले हैं। पर किसने कार्व किए हैं, किसने निकाले हैं, 1955 में जो है बीबी लाल ने वहाँ पे जाकर उन एरिया से जो उनको अवशेष मिले हैं उनसे ये पता लगाया कि पुराने टाइम पे हिमाचल के लोग कैसे थे। फिर जीसी पात्रा को भी कुछ अवशेष मिले, पर वो उनको किस नदी के पास मिले, सरसा नदी के पास। एट लास्ट 1974 में सुकेती क्षेत्र के पास भी कुछ अवशेष मिले। तो आपको ये याद रखना कि 1974 में कहाँ पे मिले थे, मारकंडा नदी के पास। अगर हम बात करें बीबी लाल ने कब ढूंढे थे, 1955 में ढूंढे थे। अगर हम बात करें कि जीसी महापात्रा का क्या रोल था, तो वो था आपका कि जितने भी आर्टिकल्स थे वहाँ पे ढूंढे गए थे। अब उसके बाद आता है न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक एज जो थी उसमें हमारे हिमाचल और भारत में कोई डिफरेंस नहीं था। लोग जो थे नए लोग, मतलब खेती उनको आ गई थी, औजार जो थे वो पका हुआ खाना, मतलब इस तरह से, मतलब बिल्कुल टेक्नोलॉजी वाइज एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन जो था वो पूरी तरह से न्यूलिथिक एज में आ चुका था। अब उसमें जो है सिर्फ यूरोप जो था उसको डिवाइड किया गया था। अब आते हैं मेजर इनहैबिटेंट्स, कि उस टाइम के मेजर इनहैबिटेंट्स कौन थे। जब हमारा इतिहास चला तो पहली जात कौन सी आई थी, कोल्स। कोल्स वर द फर्स्ट इनहैबिटेंट्स जो थे, ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स वर कोल्स, को मुंडास भी कहा जाता है, कि जो कोल्स थे, मुंडास थे, इनको जो है क्या कहा जाता है कि ये फर्स्ट टाइम आए थे। तो हमारे जो फर्स्ट ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स हैं हिमाचल के, वो कौन है, कोल या मुंडास। तो इनको क्या है, आप इनको क्या कह सकते हो, इनको कहते हैं जैसे डोम गनेट, इस तरह से भी बोला जा सकता है। तो ये सारे कोल्स, और हमें कोल्स का एविडेंस कहाँ से मिलता है, कुमाऊँ के चंद्रशेखर घाटी से, चंद्रशेखर वैली है वहाँ से ये पता चलता है कि हिमाचल में जो फर्स्ट इनहैबिटेंट्स थे वो कोल थे। कोल के बाद कौन आए, कोल के बाद आए कीरत, सेकेंड इनहैबिटेंट्स वर की। देखिए, कोल्स वर द मुंड आर वर कॉल्ड मुंडास एंड द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स। इनका जो मेन लोकेशन था वो था किन्नौर एंड लाहौल। ये ज़्यादातर कहाँ पे रहे हैं, किन्नौर एंड लाहौल। अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद, ये अभी हम छोड़ देते हैं, पहले हम कुछ और पढ़ लेते हैं, कि किन्नौर एंड लाहौल के टाइम पे जो थे ये मेजर इनहैबिटेंट्स कीरत, ठीक है। तो कीरत जो थे वो कौन से थे आपके शिष्य, इनको जो है हम शिशन देव भी कहते थे। सेकेंड ब्रांच या सेकेंड इनहैबिटेंट्स कोल्स के बाद कौन आए, कीरत, जिसको शिशन देव किसने कहा था, यहाँ पे लिख देती हूँ, ऋषि वशिष्ठ ने। ऋषि वशिष्ठ के अकॉर्डिंग, ऋषि वशिष्ठ ने जो है आपके कीरत को क्या कहा था, शिशन देव, ठीक है, शिशन देव। और ये जो शिशन देव है ये क्या थे, ये पूजा करते थे, लिंग्स की पूजा की जाती थी। तो कीरत जो थे इनको जो है, कीरत के बारे में कहाँ से पता चलता है, महाभारता में भी जो है कीरत के बारे में बताया गया है, कि महाभारता में कीरत के बारे में बताया है। कौन से अध्याय में बताया है, 142 अध्याय में
महाभारत के कीरत के बारे में बताया, और कीरत को हराने वाले कौन थे? खस। कीरत को हराने वाले थे खस, ठीक है। तो अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ये आप एक बार स्क्रीनशॉट की, कौन था इसको बोलते हैं प्रगति इतिहासकार, इंडो गैंग प्रोटोस्ट्रॉयल कोलेरियन लोग रहते थे, और सिंधु के मैदानों में लोग गंगा के मैदानों के इलाके तक फैले हुए थे, ठीक है। दास, दस, निषाद, पिशाच, कीरत, उत्तर वैदिक काल में किन्नर और नाग यक्ष आए थे। कोलों को मुंडा और कोल भी कहा जाता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें, यहाँ पे बात करते हैं हम, देखिए उसके बाद आपकी जो है, हम बात करते हैं आपकी सेकंड, जो आपकी कीरत थे, कीरत को हराने वाले थे खस, और कीरत को खसों ने हरा कर उनको ऊपर वाले पहाड़ों पे भेज दिया था। उसके बाद आए नाग। फिर कौन सी जाति आई? नाग जाति। नाग जाति जो है, नाग को कुल देवता के नाम से माना जाता है हिमाचल में, कुल कुल देवता के नाम से, जैसे वासुकी नाग चंबा में। और ये जो नाग वंश था, ये पूरी तरह से फैला हुआ था, पूरे हिमाचल में फैला हुआ था, ऐसा नहीं था कि ये पर्टिकुलर एरिया में था। नाग जो थे ये पूरी तरह से फैले हुए थे। इसके जो हैं, अगर हम बताया जाए तो जो पंचवक्त्र मंदिर है, ठीक है, कहाँ पे? मंडी में। वहाँ पे भी जाकर जो है, पंचवक्त्र मंदिर, वहाँ पे भी जाकर जो है 10 फुट लंबी जो है, वहाँ से भी हमें नागों के अवशेष मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति से भी हमें नागों के अवशेष मिलते हैं। वासुकी और खजी नाग से भी हमें, तो इसका मतलब जो हिमाचल का जो देवता है, शिव तो है ये, पर लोग जो है हिमाचल में नागों की पूजा भी करते थे। उसके बाद आई एक और जाति, दैट इज कॉल्ड खस, मेन जाति। खस जो है, इनको खसों ने नागों का मारा था, ठीक है। खस जो थे ये पूरे हिमाचल में जो है एक पर्टिकुलर एरिया में फैले हुए थे। इस पर्टिकुलर एरिया में ये कहाँ से? कश्मीर से होते हुए पूरे हिमालय में, यानी कौन से? सेंट्रल हिमालय से होते हुए, सेंट्रल, आप सेंट्रल एशिया से होते हुए, कश्मीर से होते हुए ये पूरे हिमालय में फैल गए थे, ठीक है। और इसको जो है खश जाति बोला जाता है। और अगर देखा जाए रोहनों की जो खश कंडी है, खश धार, ठीक है, उसकी जो खश कंडी है वहाँ पे ये फैले हुए थे। इन्होंने, अगर देखा जाए जो खस हैं, इन्होंने नागों पे विजय की है, तो जिसकी वजह से ये भुंडा बेड़ा जाति पे इन्होंने जो है वो किया था, तो भुंडा फेस्टिवल भी इसलिए मनाया जाता है। एक सेकेंड मैं इसको एकदम, हाँ, खसों ने जो है, खास जाति जो थी, इन्होंने नागों पे विजय पाई है, जिसकी वजह से भुंडा फेस्टिवल मनाया जाता है। और आपको पता है भुंडा फेस्टिवल निरमंड में मनाया जाता है हर 12 साल बाद। लेकिन ये इसमें एक प्रथा थी कि जो बेड़ा जाति का कोई भी लोग होगा, उसको अपने घर से एक बलि देनी होती थी। खसों के बारे में हमें पुराण, महाभारता और रामायण सभी में पता चला। तो अगर हम देखें तो ये जितने भी थे ये वेस्टर्न यूरोप में भी फैले गए। सेकेंड ब्रांच जो थी वो ईस्ट में फैलेगी, पमीर्स में फैलेगी। और खश धार जो कौन से आए? आपके खस, जिनको क्षत्रिय भी बोला जा सकता था। और इन्होंने, खसों ने जो है कोलेरियंस को हराया, और वहाँ से इन्होंने उनको ऊपर भेज दिया। ये जो लोग थे ये क्या पहाड़ी बोलते थे, और हर एक इंडिविजुअल इसको क्या कहता था? मवी, जो बाद में क्या बने? जनपद। देखिए ये जो खस हैं इनको ये संस्कृत लैंग्वेज बोलते थे, और संस्कृत बाद में क्या बनी? पहाड़ी। और पहाड़ी के बाद जो इनकी हर एक यूनिट जो थी उसको हम क्या बोलते हैं? मवी, ठीक है। उसके बाद आए, अब हमारे आते हैं आर्यन। कहाँ से आए? सेंट्रल एशिया से आए, और यहाँ पे अपना सारा सामान लेकर आए थे, और सप्त सिंधु में जाकर बस गए, ठीक है। हिंदू कुश, रीश, इंडस वैली, और इनको क्या कहा गया? सप्त सिंधु, ठीक है। ये पंजाब में पहुंचे, और कुछ लोग जो थे हिमाचल में आकर रह गए। तो जो आपके वैदिक काल का जो मेजर रूलर था वो कौन था? आपका शांभर, ठीक है। तो शांभर जो था, इसको दस्यु भी बोलते हैं, दस्यु राजा।
जिसके पास कितने फोर्स थे, 99 फोर्स थे, इसके पास कितने 99 फोर्स थे। तो इन्होंने जो है किसको हराया था, राजा मतलब, और इसकी लड़ाई पहले तो इन्होंने साथ लिया दस्युओं का और उनको बिठाया, उसके बाद दस्यु और शांभर की लड़ाई हुई। जब इनकी लड़ाई हुई तो कौन थे इसके साथ, किसके साथ, ये क्वेश्चन आता है कि शांभर की लड़ाई किसके साथ हुई थी, देवोदास के साथ हुई। कितने साल चली, 40 ईयर्स चली। कहाँ पे चली, उद्भ्रज में चली, जहाँ पे देवोदास ने शांभर को हरा दिया था, ठीक है। और देवोदास के जो ऋषि थे वो कौन थे, ऋषि भारद्वाज, कौन थे आपके, ऋषि भारद्वाज, उन्होंने हरा दिया था। अब क्या था, ऋषि भारद्वाज देवोदास को हरा, मतलब देवोदास जीत गया, तो ये वैदिक काल था। अब इस एक पूरे वैदिक काल में एक और गुरु आए, ययाति, ठीक है, ययाति। इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे कर देती हूँ। देखिए, पहली शाखा पश्चिमी यूरोप और स्पेन तक भटकती थी, दूसरी शाखा जो आई वो पमीर पार कर दी, और जो वो कौन सी थी, खस, जो पहली शाखा थी उसको आप बोल सकते हो नाग वगैरह, क्योंकि कोलोरेंस तो आए थे। फिर उसके बाद आपकी दूसरी शाखा में आपके खस आ गए, तीसरी शाखा जो थी वो कौन सी थी, आपके आर्यंस, इनको क्या बोलते हैं हम, आर्यंस, सॉरी। अगर फिर भी लगेगा कि कुछ गलती है या कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये हिस्ट्री है। तो अगर हम बात करें तो इसके में क्या आएंगे, ययाति, ययाति का जो बेटा था पुरु, उसने पुरु डायनेस्टी बनाई, ठीक है। ययाति का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर था सुदास, सॉरी सुदास, ठीक है, जिसकी लड़ाई किसके साथ हुई, 10 राजाओं के साथ, 10 किंग्स के साथ, आर्यन के 10 किंग्स के, 10 आर्यन किंग्स के साथ, ठीक है, जिसमें जिसको बोला जाता है बैटल ऑफ 10 राजन, बैटल ऑफ 10 राजन के साथ, सुदास और बैटल ऑफ 10 राजन के साथ जब इनकी लड़ाई हुई तो इसमें क्या हुआ, 10 राजाओं के साथ तो सुदास जो है वो जीत गया, ठीक है। और उस टाइम से ये सबसे शक्तिशाली पावरफुल राजा ऑफ वैदिक ईरा इज सुदास। लेकिन जो बैटल ऑफ 10 राजन के जो गुरु थे वो कौन थे, ऋषि विश्वामित्र, ये भी क्वेश्चन आता है, राइट। तो ये जो था, ये जो थी आपके आर्यंस, देखिए ये आर्यंस आए कहाँ से थे, ये आए थे सेंट्रल एशिया से, ये याद रखना। ये याति ने कौन सा वो किया था, वो पुरु राज्य बनाया था, उसके बाद उसका जो रूलर था वो था सुदास, जिसने बैटल ऑफ 10 राजन, वो किसके बीच हुई थी, सुदास, जो किसका बेटा था, देवोदास का था। तो सबसे पहली चीज ये याद होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम देखें, ये है वैदिक काल, ठीक है, वैदिक काल, तो ये याद रख लेना, अगर फिर भी कुछ लगे। देखिए, अब सबसे पहले इनहैबिटेंट्स क्रोनोलॉजिकल एरा में कौन कौन से, मुंडास और कोल्स कहाँ से आए थे, कुमाऊं से आए थे, जिस कुमाऊं के चंद्रशेखर घाटी से हमें इनका पता चलता है। कीरत, जिसको शिशन देव भी कहते हैं, किसने कहा था, ऋषि वशिष्ठ ने कहा था, ये आ गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। कीरत मंगोल्स भी हैं, ठीक है, इनका अध्याय जो है 142 में महाभारत के अध्याय में इनका मेंशन किया गया है। आर्यंस और खस, खस जो थे ये आपके जो है सेंट्रल एशिया से आकर कश्मीर तक फैले हुए थे, ठीक है। खशधार जो थी वहाँ तक इनका जो था पूरा एक्सपेंशन था, इन्होंने के बेसिस पे जो है इन्होंने हारा था, नागों को हराया था, जिसकी वजह से गुंडा फेस्टिवल आया, मोस्ट पावरफुल हुए, इन्होंने कोलेरियंस को बाहर निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद आए आर्यंस, तो आर्यंस में हमने किया देवोदास, जिसने शांभर को हराया, कितने किले थे, 99 किले थे, 40 उस पे 40, जिसको बोल सकते हैं 40 ईयर्स तक ये लड़ाई चली, ये भी क्वेश्चन आता है, किसके बीच में चली, शांभर के बीच में। और देवोदास का जो ऋषि था वो कौन था, गुरु कौन था, ऋषि भारद्वाज। अब आते हैं उस टाइम के कुछ गुरु भी थे, जैसे रेणुका लेक इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट इज एसोसिएटेड विद जमादग्नि, जिसको आप जामलू देवता भी कहते हैं, ठीक है, जिस जो किसका पति था, रेणुका का और परशुराम का फादर। वशिष्ठ कुंड इन मणिकरण इज रिलेटेड टू ऋषि वशिष्ठ, ठीक है,
ऋषि वशिष्ठ जो मणिकरण में वशिष्ठ कुंड है उससे उसका नाम जो है वो किसके बेसिस पे पड़ा है, ऋषि वशिष्ठ के नाम से। कुल्लू में जो परशुराम है जो किसके बेटे थे, रेणुका के, वो किससे रिलेटेड है, निर्मल। तो अभी हमने पढ़ा कि जो आपका निर्मल है वहाँ पे कौन सा फेस्टिवल होता है, भुंडा, बूढ़ी दिवाली भी होती है जो कुश खर्स ने शुरू की थी। ब्यास केव इज रिलेटेड टू ऋषि ब्यास। हाटकोटी इन जुब्बल ऑफ शिमला एंड हिडिम्बा गॉड प्लेस इज रिलेटेड टू पांडव। तो जो हाटकोटी है जुब्बल एरिया में, हाटकोटी जो मंदिर है दैट इज रिलेटेड टू गॉडेस, ठीक है, दुर्गा। तो वो कहाँ पे है, वो शिमला में। और हिडिम्बा देवी जो किसकी थी, भीम की पत्नी, राक्षसी थी और घटोत्कच की माँ। तो ये जो है ये किसके साथ है, ये दोनों जगह है ये किसके साथ है, पांडव्स के साथ, ठीक है। तो ये याद रखना कि सिरमौर में रेणुका, मांडव्य, ऋषि मांडव्य किसके साथ रिलेटेड है, ऋषि मांडव्य, ये भी याद रखना। ऋषि मांडव्य जो है वो मंडी के साथ रिलेटेड है, ये भी याद रखना। छोटी छोटी चीजें, अगर आज का सेशन आपको नहीं समझ आया फिर भी बता देना, हम दोबारा रिपीट कर लेंगे। अगर आपको समझ आ गई है चीज़ें, कंफ्यूजन नहीं है, तो आप बता सकते हो, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं तक था। आई होप कि आपको सेशन में समझ आ गया हो कि क्या क्या चीज़ें आई थी। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो, अगर आपको सेशन अच्छा लगा है और सेशन क्लियर हुआ है तो पूरी वीडियो को देखना। सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल, शेयर माई वीडियोज। अगर आपको कोई भी गलती लगती है प्लीज़ मुझे ज़रूर रिकमेंड कीजिए, मुझे फीडबैक बताइए। कईयों को दिक्कत है कि आवाज़ नहीं आ रही, देखिए मेरी साइड से पूरी आवाज़ है, मुझे नहीं पता कि आवाज़ की क्या दिक्कत आ रही है। अब मैंने इसको भी रिकवर करने के लिए कुछ और मंगाया है तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट अगर आपको आवाज़ नहीं आ रही तो प्लीज़ उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि यहाँ से आवाज़ सही है, मुझे नहीं पता, पर फिर भी मैं उस चीज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही हूँ, तो प्लीज़ मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। प्लीज़ उसके अलावा अगर आपको मेरे साथ पढ़ना अच्छा लग रहा है और आपको लग रहा है कि ये क्लासेस आपके लिए फ्रूटफुल होंगी, तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माई चैनल। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो कॉम्पिटिशन्स दे रहे हैं, अगर आपको फ्रूटफुल लगते हैं तो उनको भी इन क्लासेस के बारे में बताइए, ताकि वो भी इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें। फॉलो मी ऑन फेसबुक पेज दैट इज़ पूजा गुप्ता पेज, उस पेज को जरूर लाइक कीजिए और उस पेज को भी जितना हो सकता है आप शेयर कीजिए। ऑन यूट्यूब चैनल पूजा गुप्ता, उसको भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बाकियों के साथ, ताकि हम जल्द से जल्द आपके साथ लाइव मिल सके। ऑन टेलीग्राम पेज पूजा गुप्ता चैनल है और लेट्स लर्न विद मी ग्रुप है। इन सब में आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही, लास्ट में यही कहूँगी, थैंक यू सो मच फॉर बियरिंग मी और अप्रिशिएटिंग मी। दिस इज़ पूजा गुप्ता, लेट्स लर्न विद मी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना मत भूलना, इट्स अ पर्सनल रिक्वेस्ट। तो आज के लिए इतना ही, आपको कोई भी गलती लगती है तो माफ़ी चाहूँगी, बट आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे कूल एंड स्टे हेल्दी। दैट्स इट फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।